गणनायक गिरजा सुमन जय गणराज गणेश रखो लाज निज दास की काटो कठिन कले पर्वत राज्य हिमालय पर है पावन बहत गंग की धार दानी चुनरी तुमको पहना करते माता तेरो श्रृंगारी सागर पद प्रतिछालन करता धोबे चरण मात के जाय सावधान दुश्मन को करता बहरो जो महाराज कहाई करली जग जाहिर तलवार करवन राघो काउ दुश्मन को अपनी जबर भरी ती ओंकार तेरी इन सतियों का गौरव कबगड़ कहाँ तक कहे सुनाए कोई हाल कहे हारी रानी को अपनो शीशा भेट दो जाई तो आ जाइए दोस्तों आज हम अंशका कैसेट के माध्यम से परम श्रद्धे परम पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी सुरजन चैतन्य जी की असीम अनुकंपा से रूपनगर की लड़ाई का आख्यान आप सभी भक्तों के समक्ष तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए भक्तों ये आख्यान कहने जा रहा हूं। इसके रिकॉर्डिंग करता हृदेश यादव जी जेदा मई वाले जिनकी अध्यक्षता में रिकॉर्डिंग चल रही है और भक्तों बड़ा ही मार्मिक आख्यान है। मैया बाबू के आशीर्वाद से सभी भक्तों तक ये आख्यान पहुंचेगा। रूपनगर की लड़ाई का आख्यान तो आ जाइए नौजवानों मुसलमान सम्राज्य यहां पर सीमा सागर छूबे जाए भारत के कोने रे कोने पे भारी डंका रखे बजाई औरंगजेब दिल्ली रे नरेश जो राखो अपनो धर्म सजाए अलकए हम रूप नगर को दादा ध्यान बिसर न जाए सुरजन चेतन गुरु अबइयो बबलू कुलियो गले लगाई
नारितिन सुकुमारी चंद्र युजारी बेटी हारी रही अब जाए विक्रम सोलंकी महाराजा रूपनगर के भूप कहाए के कोने रे कोने में अपना डंका तो बजाए अब धीरे धीरे राजकुमारी भई पर योगी महल में जाए घूमन जावे फूल बाग में सब सकियन को संग लिवाए अरे लड़की भाई रूप की अगरी देखता रूप परी अशर्माई काए नजर उठा जल हुआ देखे यकीनी जी नजर झुक जाई अरे ब्रह्मी कुटिला ने नरतना रे गोरे हाथे भमीरी अगल काए किमी हसन मंद मुशिकिया बन मोहन चित्त कहे बहाली हृदेशी अरे सावन मास सुहावन सूरजन देख नयाई बाग बहारी और क्या निरंतर को घूमी रही रे बगिया में आगे हाल सुनो चितलाई इतमे गड़ी की सुंदरता गो चौदी सौ सोलह लो अब छाई काए ए सूर वीर रण धीर बहादुर मन में सोच सोच रह जाई नौजवान साथियों बहुत सुंदर चेहरा था उस बेटी का और यहां तक बताया है गुड्डो अति सुंदर रूप विशेष बड़ी लला अति सुंदर रूप विशेष बड़ी जाकि कोई कह सके ना उपमा और मंडली निरशंकर हिरण भाषण में सुंदर लली देख रही जगमा और एक संग
दोनों को सुंदर प्रेम ने रखे, उन दोनों को सुंदर प्रेम ने रखे। राजकुमार सोचे मन अपना, अरे रूप नगर में मेला लागो, नर नारी रे मेला को जाए। इतहाड़ी सकियन को लेकर मेला देख रही अरसाई, एक संग में खाजत लेली, दोनों की प्रीति हती रे सुन आई। भोली भाली दोनों सखिया कहां तक बबलू गए हरसाई। इधर भक्तो, बेटी हाड़ी जब मेला में सखियों के साथ गई, देश देश के राजा आए देखे यार मित्र में जाए। हिंदू मुस्लिम सब देखते हैं, हाड़ी सोच सोच रह जाए। पहना बात सुनो चितलाई, अरे कौन देश को ये राजा है, भारी कूड़े पड़े दिखलाई। और क्या, तभी सहेली बोली प्यारी बात सुनो चितलाई, रास्ता मारे डारे भूप जेल में जाए। एक राजा से कई सुनाई, सुंदरता कह रहे हाड़ी की जय कुलपति प्रशंसा प्यारी। सुन तारीफ डरे रे हाड़ी की और मजे बगाओ अरसाई।
पानी सठ के मुंह भर आयो लायो नौ लख फौर सजाय लेकर फौज डारी दोगेरा बाती लिखे भूप जाय को जो कुछ राजन के बिहारी आज खुले शब्दों में दहली नरेश विक्रम सिंह को पत्र लिखने लगा और क्या लिखा कुशल कुशलिया रूप नगर की राजन आई का उचारी एक कली एक अत्यारे मुश ज्ञानी है आई भागत तेरे में शरदारी सभी तो कह दिया लला गुड्डो बेटा सुनी नगला शीश वाले इधर दोस्तों जब पत्र लिखा है दिरी नरेश ने कि तुम्हारे घर में कली खिली है किस प्रकार लिखा है ये तो शायद ध्यान रहे कि जो कामी पुरुष हुआ करता है उसकी बुद्धि का तो संतुलन ही बिगड़ जाता है। यहां तक बताया है अरे ताई सौरभ सीनाया गेदा में नीर भरत जाई सोई कलियाए मोई ते वाले वा नाम प्रभु को जाई देखिए दोस्तों पूरा परी दो भेज तुरत ही मालिक ताऊ बनावे जाए पूरा परी दो दिन में भेजो राजा बात सुनो चितुलाए
द्रौपदीए लगवाए औरंगजेब दैली से बढ़ के रूपनगर में पहुंचो आई। तुरत जमी आसमान धर ललकारा हर कारा को सौ डटो भूपटर म्यान कोई पाती दे हर कारा भेजो पहुंचो रूप नगर में जाए कोई पाती फेरी दैया राजा को राजा पाती पड़ी अगाई। समाचार सरदार सुनो है सारे भूप गए घबराई। सुंदर अवधर समर करण को कमरे बांध ली तलवारी उत सा जग में भैया अपनी जबर भरी थी होकारी। रक्षा हित हम रूप नगर की सब अरमान निकाले जाए खबरें पहुंच गई हाड़ी पर बेटी सोची सोची रह जाए औरंगजेब की अनगित सेना लेना देना या पड़ जाए मुट्ठी भर या राजपूत है अब क्या हम करें सखियाई। पड़ो मुगलिया खान न मर्यादा हमारी अजावे पावे देश हमारो मान नीचा हमारो मागत डोला भोला रक्षा करो हमार मैं छत्राणी धर्म सजाऊ नहीं बनू मुगल की नारी। नाम करा भी जाई मैं ही बनी रहा कि अरोड़ा तोड़ा दुख सभी पर जाई। और क्या बोली हाड़ी हम राय अपनी से सारे दुख अभी कट जाए आत्मघात है घोर पाप है सारे शस्त्र बताए रह जाए।
तेरी समझ एक नहीं आवे, क्या आगे हम करें उपाय। कौन सूरमा है जा जग में कुल की लाज बजावे आई, जो सब लाइक बने साई क मुगलन को दे मारी भगाई। हाड़ी रानी मन में सोचे और वह सोच सोच रह जाई, चमकिया सा एक हाड़ी को गयो में बाड़ नारी को आई। नौजवान साथियों, जब मेवाड़ का ध्यान आया हाड़ी रानी को, अरे भैया अरे पपरा बलबीर संतान है रखते प्राण हते लिया, और क्या शरणागत की रक्षा करते डरते कभी न काल से आई। ज्योति बहाने कुल की लाज बचा में आई, क्या राणा प्रताप के जोरे वंशज हैं बेई संकट दिए हटाई। बद को बलम बनाऊं और उनको हम लेवे बुलाए, लिख कर संकट हम पाती में सारो हाल कहूं समुदाय। बांदी बांदी अपन ललकारा बांदी लगी बराबर आए, तब हाड़ी रे बांदी से बोली प्यारी बात सुनो चितुलाए। बांदी जावो दरवाजे लू फाटिक बंद देव करवाई, कागज कलम दान ले आवो हम अपनो कछु सुहाई। गम में भरी लेखनी लेकर प्रथम लिखी प्यारी गणेश, और क्या गौरी पति और सिंधु सुता पति प्यारी पति राखो नरेश। आनंद भवन मंगलकारी सब दुकारे जगत पतियाज, नव के लायक तुम सब लायक विपता साईक सजना मारी। चिरंजीव सब श्वेत पसारी कीरते रही दशोत सुचाय, तुम कुल दीपक पीर बाखुरे कुल किला जरा खियो आई। इधर क्या लिखा है भक्तो, सूर पीर लड़ा
धीर बहादुर तुम पर मोह कई रे तलवारी सुर सर पावन पापन सावन जलू पहरे गंगा की धारी उगे दिनेशा जौन नव मंडल तब तक कीरति रहे तुम्हारी पत्र को पढ़ के जब ना चढ़ कर अपनी खेतरे करो तलवारी और क्या लगा भक्तो औरंगजेबरे चलो दहली को ताकुंवर भगाओ आई अकलो ज्ञान पिता मेरे को अपनी लायो फौज सजाई पढ़ते थे प्यारो ये सब जग मेरा उछाई बहुत सुंदर ओरे दीना बंधु भगवान तू ही जा जग को माली है पिता भगवान तू ही जा जग को माली है अरे जग को माली है तू ही जा जग को माली है जब हाड़ी रानी ने पत्र लिखा तो क्या लिखा है आगे पंक्तियों में के रजपूती अगेने रे धरी दई के कऊ बेच दई ती तलवार सब राजन बनार हो गए उन्हें बने तुम श्यारी Thank you.
जानत ऐसी जिंदगानी को देगा बांधन को देगा प्राणा बजा के तुम घर बैठे पड़ गई धवल अपने पेछारी सूखे अरे पिया ना जैसो बन सूखे कचुना रूप नगर यवनों ने रे घेरा डोला मांगी रहो तो सरदार असल बिंदु से पैदा हो तुम मुगल न को तो देव भगा केवल ही न आप भैसा जन केरल करने से रे दहलाई ब्राह्मण जावे वेद पढ़न को बनिया करने को त्योहा शूद्र बनाए सेवा करन को क्षत्रिय करने को तलवारी से बात कई समझाए जल्दी जाओ उदयपुर भैया नैया पार लगा वो जाए देव पाती चूड़ावत को अपनी लाबे फौज सजाए इधर उदयपुर लगी कचहरी भारी शोभा कई न जाए राज सिंह सिंहासन बैठो हो तबार कारा पास में आओ भैया ध्यान बिसर ना जाए और इसी श्रृंखला में हमें 501 रुपए से जो सम्मानित किया बबलू यादव जी सुदामा नगर फिरोजाबाद जो बरियारपुर वाले हैं अबागढ़ के पास के अरे अब की बरनी है बबल शेर की बबलू यादव रे लहराई सुदामा नगर
फिरोजा वाल के अब कियरा घूमान हमारी। अरे मेरे मामा के आज बेटा है मेरी लाज राख लैया आई। जुग जुग जियो अमर पद भोग कीरतिया समान मलराई। इधर भक्तो जिस जगह पर हर कारा पहुंचा जहां पर महाराज बैठे हुए हैं। अरे भैया शोभा क्या थी? शोभा आ रही आम खास में जा को हाल कहो ना जाए। नचे पतरिया जाय रखनी में छत्री रहे इश्क में छाए। नाच रंग बगला में होए रहो भारी शोर रहो वहाँ छाए। इधर लगाते खान निखाते उनमें छूट रही मैं काए। लगाते खोपन खाते उनमें छूटी रही महकाई। अरे गड़ में बालक छतिया बैठे नंगी खेचे रहे तलवारी। एक कुरछी पर चूड़ावत है अपनी जबर भर तुंकारी। घूम के कजरा वाला लड़का कहे माता पिरे को रहे कखानी। जिधर को देखा रखारा तू दिखे सभी सजीले जवानी। गौर करा तब या देखो और वह लगो बराबर जाई। सात कदम से गुजरा कीनो तीनों अपनों शीश नवाई। अरे काले लिफाफा रकारा ने पाती धरी तखत पे जाई। और क्या नजर गई इत राज सिंह की हर कारा पर पहुंची जाई। अरे तेरा नकीनी अरे राजा ने और चिट्ठी कुलियो उठाई काए। कड़ कतर निशेर बद जब कटे पाती भूप पड़ी की हर साई। बड़ी हकीकत इत राजा ने सोई गौ सना को खाए। इत सामंत कह राजा से महाराजा सुनो ध्यान लगाए। कैसी खिची वाल देखा भूपन हमसे जाए। खुले शब्दों में कहा ये भौं कैसी खिची है।
कैसी खिची बाल पर रे घाट देखा भूप नाम से जाए कौन उदासी कर कारण ताकू आई को समझाए सुना सन बगला में पड़ गई नाई मसो तलक के भन्नाए तब मंत्री थाड़ो यूं बोले सारे सूरज सुनो चितुलाए अरे रूप नगर यमनु ने घेरा तेरा अपने दिए लगाए सुनील बेटा नगला शीश के बिरना सुन ले ध्यान लगाई इधर जाओ। राज सिंह ने पत्र को खोल के पढ़ा है तो अरे भैया ऐसा लग रहा है कि मानो क्रोध में नैनों में अंगारे धधक रहे हो। क्या बोले हे भद्र जनो सामंत गढ़ो मर्यादा आज शस्त्र है भारी हे भद्र जनो सामंत गढ़ो मर्यादा आज त्रस्त है भारी और हे वीरो बिना बुलाए ही विपत्ता ने दुख दए सिर भारी सोलंकी की राज दुलारी औरंगजेब दिल्लीश्वर ने सुना औरंगजेब दिल्लीश्वर ने मांगो हाथ लली सुकुमारी खुले शब्दों में कहा अरे पलम बनाया चूड़ा पति को ताको पाती दई पठाई सौर्य प्रताप देख रोश ने लीनी शरण इनई किया हमें भरोसो चूड़ावत घो जो यमुनों को देवे भगाई और पहले शादी उनसे करें पीछे दे रड़पों पठवाई Thank you.
करे राजा पे देखो मेरी तेरी पर लगा नाई सूर शिरोमणि बात सुनो तुम जो नाता शीशक बनाई हमें न जीवित देखो आई ऐसी बात लिखी पाती है छाती धड़क रह जाए और क्या सारो आल कहो मंत्री ने फिर के बात कई समझाई नहीं आशा में जीवन की दुख की रात रही अब जाए भारी सेना है यमुनों की ताशे पार बसावती नाई एक और भूपति मर्यादा तू जो धन जन रो है पीरो अब तुम खुद सोचो निर्णय आप करो तुम आई बात सुनकर मंत्री जी की सबने ली नींद नवाई और क्या कोई कोई चल दो जंगल जाड़ी कोई कोई डुबक कुठरिया जाई चोपी शादी ले लई जुआन है मुंह से बोल रे निकलता नाई चोपी शादी रे लई जुआन ने मुंह से बोल रे निकलता नाई तब चूड़ावती ऐसे बोले सारे सूर सुनो चितलाई देखो लई सिंगन से आंख मिलाई खुले शब्दों में कहा कि वो नालायक कामातुर काम के अधीन गीधड़ जो सिंगन जैसी लाडली से आंख मिला रहा है और सुनो
झुकन को देवे चाहे शीश रहे या जाए चंद्र वंश नाई रे दूषित हो सब कुमारी भजा हो जाए से बात हमारी मानो तुम पूरे आज समझाई मंडलीक भाई गुड्डू बनिया सोच है हम छत्री के कुमार कहा जिन्हें कामना है रे जीवन की बिना सजे फौज में जाए दुनिया में यशत की रति पसारे अपनों को सलते दिखलाई और क्या बारे बरस लूकू कर जीवे और सोले पूजी है सियारी और सुनो बरस अठारे छत्री जीवे आगे जीवन पूरे धीरकारी छत्राणी बाजन पड़ गई कै सब सूर रहते घबराई काय काय ए बदे दिना कोई रे जीवन है बदे दिना कीरे मोती कहाई तुम्हारो घर जीवन है फिर क्यों मोती रही अचर पाई सुनील नगला शीश वाले दुनिया कमर कशियों बैठी जाने कबरे मोती ले जाई छुपाए जब देखो मोती त्यारी आवे घड़ी न एक उटलने पाए
अच्छे काम करो रे दुनिया में, ताकि ना मरे अमर हो जाए। कुकर सुकर के समझीबो ये क्या जीना रहो है जाए। अपनी मुश्किल दिखाई जिला बरेली बरा थनपुर वालों प्यारो बेटा शिशिकाई। खेले हैं झेले सैल करना आई। मानुष तन का देखो चलाई न कालो को पीठ दिखाई। ये धरती उसकी रज में देखो कुंभा सोगा जन्म में आई। घास की रोटी राणा ने खाई नाई धीरत जयो जाई। ये धरती उन वीरों की है नहर सारे सभरे ओंकारी। ये धरती है मलियों की अंगारों से करे श्रृंगारी। खेला करते तलवारों से जो भारत के सूरकाय। बेशक काल सामने आवे तापमान घटावे जाय। संतान है रक्त भय और पानी अब जाई। और क्या बैठे शांति महल में देखो तोरी रानी पड़े ले जाई। बलवान जाय कोई मत मानो झूठी। ओनी ओना हर बलवान जाय कोई मत मानो झूठी। मानो झूठी।